मसीह हमारा उद्धार करता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस बात के तहत पिता परमेश्वर युगानियों का परमेश्वर है, दया करने का पिता परमेश्वर, और हमने पिता परमेश्वर बड़े अनुग्रह के द्वारा हम सब पिता परमेश्वर जुड़ने पाए हैं। सो पिता परमेश्वर जितने बड़े उपहार से पिता परमेश्वर बड़े पिता परमेश्वर कमी कटी में से प्रेम से उदारता से जिन भेंटों को दिया है उन्हें पिता परमेश्वर आप ग्रहण करें, इन्हें पिता परमेश्वर आपकी सेवा कार्य के तहत इस्तेमाल करें और पिता परमेश्वर कलीसिया का प्रेम इसी प्रकार से बढ़ता जाए। आप पिता परमेश्वर हम जैसे कि पिता का हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है तेरे समक्ष हम आते हैं ताकि तेरे द्वारा पिता परमेश्वर आशीष और अनुग्रह में भरा रहता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपनी जीवनी के लिए पिता उनकी चंगाई के लिए सामर्थ्य के प्रभुता के लिए पिता परमेश्वर कि आपकी दया और उसके साथ बने रह पाए ताकि पिता परमेश्वर दो दो अवस्थाओं के दौरान पिता उसी का आर्थिक सामर्थ्य चंगाई इस तरह रह पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तमाम जो हमारे माता पिता है कलीसिया में पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया में जो माता पिता है हम उनका सम्मान करते हैं। आज के समय के दौरान परिवार से हम एक एक गिफ्ट देंगे ताकि वो हमारे चर्च के लिए एक पवित्र प्रतीका हो और हम सब एक साथ इसी प्रकार से जुड़ने पाए और आराधना के तहत करने पाए। सो हमारे बुजुर्ग जो पहले हैं तो मैं बड़े सभी का स्वागत करता हूँ। आप आए फोटो कोई ले ले फोटो फोटोग्राफ माइक सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है लेकिन हम फैमिली वाइज बुलाएंगे तो सीनियर्स पहले जो हमारे चर्च के हैं हर फैमिली में एक जाना चाहिए मेरा हिसाब से। जो भी छूट जाएंगे हमें प्लीज पीछे से बता दीजिएगा ताकि हम उनको बातें दे सकते हैं। आयरिस आंटी आ जाएंगे। सर एंड फैमिली आ जाएगी
संडे दे देंगे क्योंकि वो लोग आए भी नहीं है और लिस्ट हमारे पास पूरी नहीं थी। अमित जी
लेट हो गया है, हमें कमिंग संडे को हम गिफ्ट देंगे आपको। परिवारों के तहत बना रहने पाए और तो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में मार्ग सत्य के रूप में पिता अगुवाई करता है, सो हम धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह के द्वारा आप कलीसिया को हरे कुछ और स्पर्श कर अपने दया में लेकर चलो। उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल की जिस प्रार्थना विनती को आमीन। ये हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम बरकाना चाहे, तेरी बादशाह पाए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो। हमारे आज में बख्श दे और जिस प्रकार से हमारे कसूरवारों को माफ किया है वैसे हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में डाल पर जो बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तेरा जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब हमारे मम्मी जी पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता अब से लेकर हम सब के साथ में मसीह विश्वास के रूप में आशीष युगानुयुग बनी रहने पाए। आमीन। आमीन।